नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, जैसा कि एक कहावत है कि जब समय बुरा होने लगता है तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। तो चलिए हम आते हैं अब मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि चंद्रिका राय जी जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी है और तेज प्रताप के ससुर है, ये अब ऐलान कर चुके हैं कि ये राजद को छोड़ रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं और ये जदयू की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि चंद्रिका राय जी जदयू में शामिल होंगे। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है, अगली सरकार भी एनडीए की बनेगी और उसके मुखिया नीतीश कुमारी मुख्यमंत्री बनेंगे। और इन्होंने इनका और भी स्टेटमेंट है कि राजद में मुझे काफी ज्यादा प्रताड़ित किया गया है और हालांकि जब प्रताड़ित किया गया था तब इन्होंने नहीं छोड़ा। दरअसल में बात ये 12 मई 2018 को इनकी पुत्री है ऐश्वर्या राय और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी। शादी हालांकि ये दोनों जो है सियासत घराने हैं। जो चंद्रिका राय जी है ये दरोगा राय जी के सुपुत्र है जो कि 1970 के दशक में 10 महीने के लिए ये दरोगा राय जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके सुपुत्र हैं ये चंद्रिका राय जी और उनकी पुत्री है ऐश्वर्या राय। तो दोनों राजनीति घराने हैं, इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर हम लोग एक रिलेशन में बंध जाते हैं तो हम लोगों के लिए और भी बेहतर होगा। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। जब यह शादी हुई तो उसके 6 महीने के बाद ही तेज प्रताप ने उससे तलाक लेने के लिए याचिका दायर कर दी कि भाई हमें इसके साथ नहीं रहना है। अब असल में तेज प्रताप जी जो हैं वो कुछ अलग स्वभाव के इंसान है। वो कभी बम भोले बन जाते हैं, कभी मुरलीधर बन जाते हैं, कभी कुछ कभी इधर उधर भी सब वक्तव्य देते रहते हैं। इनका कहना है कि जो ऐश्वर्या वो हाई फाई सोसाइटी में दिल्ली में रही है, विदेशों में पढ़ी है, इसलिए हमारा विचारधारा इससे मैच नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस संबंध को यहीं पे खत्म कर देना ही उचित होगा। हालांकि जो उनके छोटे पुत्र हैं लालू जी के तेजस्वी यादव, उन्होंने काफी कोशिश किया इस संबंध को सुधारने में, लेकिन शायद कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अब जो है आलम ये है कि जो मामला है इन दोनों के शादी का वो कोर्ट में चल रहा है। तेजस्वी यादव जो है वो तलाक लेना चाहते हैं और ये मामला दोनों तरफ से, ये मामला एक बार बहुत ही मीडिया में छाया हुआ था इन दोनों को तलाक को लेकर। ऐश्वर्या ने भी इस तरह का बयान दिया था कि खाना पीना भी नहीं दिया जाता है। तो खैर ये बात की बातें हैं। अभी फिलहाल बात ये है जो ये चंद्रिका राय जी है अब जदयू में यानी नीतीश कुमार का दामन थामने जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि राजद में मुझे काफी प्रताड़ित किया गया और राजद डूबती हुई नैया है, इसमें जो भी सवार होंगे वो भी डूबेंगे। और इन्होंने यहां तक भी कहा है कि राजद के कई सारे MLA भी उन राजद से नाराज चल रहे हैं और राजद सुप्रीमो जो तेजस्वी यादव है उनसे नाराज चल रहे हैं और वो आए दिन पार्टी को छोड़ सकते हैं, राजद को छोड़ सकते हैं। और ये फिलहाल अपना ऐलान कर चुके हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिन में फिर से जो NDA की सरकार है, जो अभी BJP और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, फिर से यही सरकार बनेगी, इसलिए इसी नाव में सवार हो जाना उचित है। तो चलिए दोस्तों, ये था अपडेटिंग न्यूज। अगर इस तरह के न्यूज और बिहार से जुड़ी हुई आप लोग अपडेटिंग न्यूज देखना चाहते हैं, देश दुनिया की खबरें देखना चाहते हैं, बिल्कुल किसी भी हालागुल्ली शोर शराबे, बिल्कुल एक अलग तरीके की जो न्यूज, जो आपकी सरल भाषा है, जो आपकी ठेठ भाषा है, उस भाषा में हम आपको न्यूज का निचोड़ निकाल कर देंगे, ना कोई ताम ना झाम, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस बसंत बिहार चैनल को। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब